सब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन वाह बेटे मौज कर दी एपिसोड 40 बाय मीमा हब सब प्राइस स्टार्ट। हेलो एंड आई एम मुनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नथे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। आपसे मुझे पॉजिटिविटी की वाइफ आती है। नहीं, वाइफ होती है, वाइफ नहीं आती। मेरे लिए तो वाइफ है वो। तड़प ही ऐसी है ना। मेरा कुआर है ना, तो वाइफ के चक्कर में रहता है। हाँ, किसी भी तरह से वाइफ आ जाए। हाँ, तो क्यों नहीं आती, कोई मसला? बात तो सही है। नहीं, मसला ऐसा है कि बहुत बहुत अरसा हो गया है। तरसा है, किसी ने नहीं मसला है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मीम आपकी एक और नई वीडियो में। अच्छा तो गाइस, आज वाली वीडियो भी बहुत ज्यादा फाड़ होने वाली, तो एंड तक जरूर देखना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और चैनल पर जो भी नया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की मीम वीडियोस आती रहती है। तरीका है भीख मांगने का। एंड वीडियो में जो भी पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और हाँ, ये वाली वीडियो बस एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इसको बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना, बस मजे लो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 30 मिलियन व्यूज किस वीडियो पे हैं? हमें भी तो पता चले। भाई करके दिखाएं। बोल के दिखाओ। हाँ, एज इट इज समझे, टिकटॉक बन रही है सामने। पुष्पा, पुष्पा नाम है मेरा, मैं झुकेगा नहीं साला। तेरे तो अच्छे भी झुकेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वाह वाह, आज तू यहाँ क्या कर, इतना अच्छा पिचकारी जैसा मुंह, रंग भर के जा लोगों पे डाल। होली की शुभकामनाएं देने आई हूँ। हो गई शुभकामनाएं, चलो। यार कपूर शर्मा, कम से कम मेरे सामने तो उसको ऐसे मत बोलो। तू पहले निकल फिर चल। अच्छा मेरे को बात बताओ, अगर ऐसी सिचुएशन कोई आ जाती है कि मार बच्चे में से किसी एक को बजाना, तो किसको बजाऊं? तो अरे बाबा, इतना सोचने में टाइम, चल मैं अपने मूड के हिसाब से देख लूंगा। पागल आदमी, तो बच्चे को बचाना, माँ को बचा, मोबाइल रहेगा तो रिचार्ज होता रहेगा। तू समझा? अगला शेर सामने बैठी उनकी मिसेस के लिए, आइए देखते हैं मजा आएगा। वाइफ ने पूछा हस्बैंड से, कि सच कहो तुम कितनों के साथ सोए? अरे देवा, क्या बकवास कर रही है, मुझे बस आप रोकिए इसे, बनाइए। वाइफ ने पूछा हस्बैंड से कि सच कहो कितनों के साथ सोए हो, हस्बैंड बोला सोया तो बस तुम्हारे साथ, बाकी सैकड़ों के साथ जागा पूरी रात। गुड मॉर्निंग सेठ जी। आओ आओ भाग आओ। गुड मॉर्निंग नटू काका। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। ये देखिए सेठ जी, मैं किसे लेके आया हूँ। अच्छा, पहचाना? कोई भी एक दूसरे को नहीं पहचानता। कस्टमर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी रिजल्ट अनाउंस हो रहा, आप ये उदास हो, क्या बात है? मतलब स्कूल से निकाल दिया? क्यों, क्या? स्कूल से निकाल दिया तो कोई तो वजह रही होगी, मतलब स्कूल से क्यों निकाल दिया? बर्थडे आ रहा मेरा। अच्छा, क्या? बर्थडे आ रहा मेरा। बर्थडे तो यार, बर्थडे तो अच्छी बात है, फिर निकाल क्यों दिया? मतलब बात तो सही है। स्कूल से किताबें मिली थी। हाँ बिल्कुल, उन्हें देख के बर्थडे के कपड़े ले आया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आ जाओ, अरे उतर लेते हैंडीकैप, हैंडीकैप उतर लेते हैं। वो सब छोड़ो, ये बताओ सोना कहाँ है? तू समझा? हाँ। प्यारी समझ गई। आप छोड़ो, आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या है ना, मैं बहुत आलसी हूँ, सुबह सुबह मुझे उठा नहीं जाता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप मुझे कोई दवाई दे दीजिए ताकि मैं जल्दी से उठ जाऊँ। जल्दी से उठने की दवाई नहीं है मेरे पास, एक मेरे पास चीज है,
ये है मेरे पास मुर्गी वाला अलार्म क्लॉक, ये आप लगाइए सुबह आपको जगाएगा, दो बार ये बजेगा, अगर आप उठ गए ठीक है, नहीं तो ये कंबल में घुस जाता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, बड़ा हरामी हो। मतलब कि जो धंधा में है कब से है आप? भैया खानदानी पेशा है हमारा तो। अच्छा खानदानी, बिल्कुल भैया। तो किस तरह से इलाज होता है? इलाज भैया हमारे दादा बहुत बड़े एक हकीम वैद्य थे। अच्छा अच्छा। नजर से अंधे थे लेकिन रोगी की नब्ज पकड़ कर बीमारियां बता देते थे। अरे देवा। अच्छा अच्छा। उन्हीं से हमारे पिताजी ने यह धंधा सीखा और पिताजी से हमने सीख लिया। शाबाश बेटा। अच्छा मतलब ये खानदानी सीखे हो ना? बिल्कुल। तो इनका कहना है, जो कमलेश भोसरा था, इनका कहना है कि इनके दादाजी जो थे वो अंधे थे, वो नब्ज पकड़ के कोई भी बीमारी है वो बता देते थे लोगों का। तो ये अच्छा कमलेश भोसरा जी, हमें ये बताइए कि जैसे अभी आपके दादाजी अंधे थे, नहीं देख पाते थे, तो कभी हुआ है कि मतलब किसी रोगी का नब्ज पकड़ने की जगह कुछ और पकड़ लिया? क्या बात करते हैं यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। हाय वरुण, अपने सीनियर से बात करने की रिस्पेक्ट नहीं है? नाम क्या के जी लगाइए। बात तो सही है। सॉरी जी, वरुण जी। नहीं एक्चुअली जी ना लगाइए, थोड़ी एल्डर वाली फीलिंग आती है आपका। जो मेरा मन है प्यार से बुला लीजिए। ओके वरुण भैया। गजब बेइज्जती है। आगे स्वाद। सिद्धार्थ और कटरीना ये बताइए कि हनीमून के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? गुड क्वेश्चन। आपका ऑप्शन है ए शादी। बात तो सही है। बी मूड। सी मौका। या डी पार्टनर। सब जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कुंडी कुंडी, दरवाजा बंद और कुंडी। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। कुंडी कुंडी, वैसे ऐसे कौन ऑप्शन देता है, क्या ज्यादा जरूरी है हनीमून पे? नहीं क्या नहीं होता है जरूरी, सब कुछ तो जरूरी। स्टार्टिंग वाला मीम भी सबसे खतरनाक था। नहीं क्या, अबे यार, और ये इंसान है क्या? मतलब ये तो क्विक कॉमेडी कैसे कर लेता है, स्क्रिप्टेड है या क्विक कर लेता है, क्या पता। एकदम खतरनाक तरीके से एकदम क्विक होता है उसका। दी क्या वो जो पाकिस्तानी शो है उसकी बात करूं। एंड बागा देखो सेठ जी, मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। वो एकदम एक्साइट, दोनों भी एक दूसरे को नहीं पहचानते। पहचाना क्या, कस्टमर। फिर भी जेठालाल का दिल देखो कितना बड़ा है, उन्होंने नटू काका और बागा को कभी काम से निकाला ही नहीं, हमेशा रखा उनको काम पे। एंड कपिल के तो एज यूजुअल पुराने पुराने शोज के सारे क्लिप्स निकाल निकाल के आ रहे हैं अभी मीम्स में, क्योंकि वो पहले से ही एकदम खतरनाक है, नट खट। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ऐसे सदा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे ही मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत नहीं आ ले।